श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के नवे अध्याय का पाठ कर रहे हैं। यह अध्याय उस प्रसंग के अंतर्गत आता है जिसे हम उद्धव गीता कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को जो उपदेश दिए वह यहाँ पर संकलित हैं। जिस प्रकार गीता महत्वपूर्ण है उसी प्रकार यह भी महत्वपूर्ण है। और इसमें यह जो प्रसंग हम देख रहे हैं वह है अवधूत गीता। अवधूत एक हैं, एक परिव्राजक संत, वे घूमते हुए जा रहे हैं। राजा यदु से मुलाकात होती है और राजा यदु उनको देखकर प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि आपने ऐसी शांति, ऐसी प्रशांति, ज्ञान कहाँ से अर्जित किया, आप बताइए। और इसके उत्तर में वे अपने 24 गुरुओं का वर्णन करते हैं। पिछली बार हमने जो इसका अंतिम आठवें अध्याय का जो अंतिम अंश था जिसमें उन्होंने पिंगला से कुछ सीखा था, पिंगला से बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी सुनी थी, सीखी थी, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यह जो पोषण था, आशा ही परम दुख है और नैराश्य ही परम सुख है, यह बात पिंगला से उन्होंने सीखी थी। इसका हमने विस्तार से विवेचन इत्यादि किया था। अब नवे अध्याय के प्रारंभ में हमने देखा था कि पहले उन्होंने चील से या कुरर पक्षी से क्या सीखा कि उसने एक मांस का टुकड़ा ले लिया तो उस पक्षी के पीछे बहुत सारे लोग लग गए उसका पीछा करते हुए उसको झपटने के लिए, तो उसके मुंह से जब वो छूट गया तो फिर सब उसके पीछे चले गए, उसको शांति मिली। और तब उससे जो निर्णय या ज्ञान प्राप्त हुआ वह था परिग्रहो ही दुखाय। जो परिग्रह, जिस जिस वस्तु को हम प्रिय समझते हैं उसका परिग्रह दुख का कारण होता है। उसके बाद में अगला जो उपदेश उन्होंने सीखा वह था बालक से कुछ सीखा। बच्चे को देखा इस अवधूत ने, बच्चा बैठा हुआ है, खेल रहा है अपने में मस्त, उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं है। उससे उन्होंने बड़ी अच्छी बात सीखी। दो श्लोकों में उन्होंने, तीसरे और श्लोकों में, दो चौथे श्लोक में बहुत अच्छी बात सीखी। क्या है? न मे मान अवमानो स्तौ न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मक्रीड़ा आत्मरति विचरामि इह बालवत् द्वौ एव चिंतया मुक्तो परमानंदम आप्लुप्तो यो विमुक्तो जड़ो बालो यो गुणेभ्य परम गतः। बड़ी अच्छी बात उन्होंने सीखी कि उन्होंने क्या देखा, बच्चा जो है वो क्या है, उसको मान अपमान बिल्कुल नहीं। मान अपमान, न मे मान अवमानो, मुझे, वो कहते हैं कि मुझे मान और अपमान नहीं, मुझे मान अपमान से मैं मुक्त हूं। न मे मान अपमानो, और गेह पुत्र, स्त्री, घर और पुत्रादि की मुझे चिंता नहीं, और मैं क्या हूं, आत्मक्रीड़ा आत्मरति विचरामि इह बालवत्। इह यानी संसार में मैं आत्मा में रति करता हूं और आत्मक्रीड़ा है, मैं खुद के साथ खेलता हूं, खुद के साथ रति और किसी चीज से नहीं, और मैं इस प्रकार से बालक की तरह मैं विचरण करता हूं। देखिए कितना सुंदर श्लोक है, इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए, इस बालक के भाव को हमारे ऊपर आरोपित करने का प्रयत्न करना चाहिए। साइकोलॉजिकली अगर देखें, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, तो बालक में ईगो धीरे धीरे डेवलप होता है, जिसे हम अहंकार कहते हैं ना, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले तो उसको अपने शरीर का ही अहंकार नहीं होता, वह अपने शरीर से भी आइडेंटिफाई नहीं करता, अपने शरीर और माँ के शरीर को, ये किसका शरीर है, ये मेरा है, ये माँ का है, ये अंतर भी बालक को नहीं होता। धीरे धीरे जब वह डेवलप होता है, विकास होता है, तब पहले शरीर के साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, शरीर को अपना समझ लेगा, मैं शरीर हूँ, ऐसा वह समझने लगता है।
फिर धीरे धीरे अपने विचारों से आइडेंटिफिकेशन, पहले विचारों से भी नहीं होता। इसीलिए बच्चे को अगर कुछ आप पहले कुछ चीज उसके पास है उससे छीन लो, ले लो, दे देगा, उसको क्या है। उससे उसको अगर कोई विचार है उसके, उसको कहो देख इतना अच्छा गाना नहीं गाया, तो ठीक है, क्लास में फेल हो गया, तो ठीक है, माँ को कहता है कि माँ मैं फेल हो गया। बच्चे दौड़ते हैं, रेस होती है, तो पहला आया, कोई कह क्या मैं पहला आया, दूसरा आर्किटेक्ट कह के मैं लास्ट आया, अच्छा भाई सबके लिए ताली बजाओ, सब ताली बजाओ, उनके लिए फर्स्ट और लास्ट का कोई फर्क नहीं। हम वो आइडिया देते हैं कि तुम फर्स्ट हो, तुम्हारे ये विचार हैं, वो धीरे धीरे उनका अहंकार परिपुष्ट होता है। पहले शरीर के प्रति अहंकार परिपुष्ट होता है, उसके बाद में विचारों के प्रति, आइडियाज के प्रति, प्रिंसिपल्स के प्रति, सिद्धांत के प्रति परिपुष्ट विचार होते हैं। अपना उनका जो मानसिक ईगो, बौद्धिक ईगो भी धीरे धीरे डेवलप विकसित होता है। उसके बाद में संसार की दूसरी चीजों के साथ आइडेंटिफिकेशन होता है, ये पहला मैं, उसके बाद मेरा, तो मेरा शरीर व मेरा मन, मेरे विचार, मेरे सिद्धांत, मेरा, मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी पुस्तक, उसको कोई हाथ लगा देते गुस्सा आ जाता है, मेरी साइकिल, मेरी कार, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, मेरा नाम, यश, ये सब उसके बाद धीरे धीरे, ये एक साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इस प्रकार से ईगो का डेवलपमेंट होता है। तो जो बच्चा है उसमें ईगो नहीं होता, और वो ईगो एक यूनिवर्सल ईगो जैसा ही होता है, अपने शरीर से जैसा मैंने कहा आइडेंटिफिकेशन नहीं। ठीक यही बात जीवन मुक्त में होती, ठीक वो यही बात ब्रह्म के पुरुष में होती, उसका ईगो नहीं रहता, उसने अपने शरीर से ईगो हटा लिया है, उसके विचारों से ईगो हटा लिया है, उसको आप कुछ भी कीजिए, अच्छा बुरा कीजिए, कोई फर्क नहीं। श्री राम कृष्ण का ले लीजिए, श्री राम कृष्ण को किसी ने कहा, कुछ ने कहा मीटिंग हो रही है, श्री राम कृष्ण भैरवी ब्राह्मणी ने एक मीटिंग बुलाई ये सिद्ध करने के लिए कि श्री राम कृष्ण अवतार, श्री राम कृष्ण भी बैठे हैं, और वहां बैठे बैठे कुछ वो एक काजू किशमिश थोड़ा थोड़ा से खा रहे हैं, सुन रहे हैं बैठे बैठे, केशव ईश्वर वो वैष्णव चरण आए हैं, दूसरे बड़े बड़े पंडित आए हैं शास्त्रों के, और भैरवी ब्राह्मणी बता रही है कि देखिए ये सब लक्षण इनके अंदर शरीर में, ये सब बातें हैं, ये सब अवतार में होती। श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं, फिर वो उनको वैष्णव चरण को हाथ लगा कहते हैं, हाँ हाँ देखो ये बोल रही ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे को, बिल्कुल बच्चे जैसे, देखो देखो बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर बाद में निर्णय हो गया कि ये ठीक है, ये अवतार है। तब श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं, अरे बाबा ठीक है, कम से कम ये तो हुआ ना कि मैं पागल नहीं हूँ, लोग मेरे को पागल बोलते थे, बाबा ये तो प्रूव हो गया कि मैं पागल नहीं हूँ। उनको ये लगा नहीं कि मैं अवतार हूँ कि नहीं अवतार, उसे क्या लेना देना। ये जो ब्रह्म के पुरुष होते हैं उनका ये हाल होता है, बिल्कुल बच्चे जैसे, बालवत, कहीं पर आट नहीं, इसी गुणों गुण को पकड़ के रखते नहीं। ये श्री राम कृष्ण को जब हृदयनाथ को, उनका जो भांजा था, उसको जब वहां से निकाल दिया गया, दक्षिणेश्वर मंदिर से जब निकाल दिया गया, तो क्या हुआ, वो चला गया, लेकिन किसी ने आके श्री राम कृष्ण को कहा कि आपको भी निकालने का ऑर्डर हो गया। अच्छा हाँ चलो, अपना गमछा लिया, कपड़ा लिया और जाने लगे। तो उधर से त्रैलोक्यनाथ, उनके मथुर बाबू के जो पुत्र थे, उन्होंने देखा तो वे दौड़ के गए, कहाँ जा रहे हैं, देखे तुमने तो मुझे निकाल दिया। देखे नहीं नहीं आपको नहीं निकाला, ये तो हमने केवल हृदय के प्रति ऑर्डर दिया है। अच्छा नहीं आप आ जाइए, अच्छा आ जाओ आ जाओ, पहले अपमान हुआ बाद में मान हुआ, कोई फर्क, कुछ भी एड्रेनलिन बढ़ा नहीं, गुस्सा नहीं हुआ, रोष नहीं हुआ, उदासी नहीं हुआ, कुछ नहीं, चले गए वापस। तो यहां ये कहते हैं मुझे मान अपमान नहीं है, और गेह यानी घर और पुत्र का बच्चे को जिस प्रकार चिंता नहीं होती, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं, कहां जाना क्या नहीं करना बिल्कुल ही चिंता नहीं, वो भविष्य का चिंतन होता ही नहीं,
और जो ब्रह्म के पुरुष हैं उनका भी ऐसा। और क्या है, आत्मक्रीड आत्मरति, अपने से खेलता है बच्चा, अपने से बैठा हुआ है, बस अपने से खेल रहा है। जैसा मैंने पिछली बार कहा कि अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में रख लिया, खेल रहा है। मैंने तो डॉक्टर के रूप में देखा एक पेशेंट को, एक बच्चा, तो वो कहीं से गिर गया था, उसका पैर का एक फ्रैक्चर हो गया, हिप का कहीं पे फ्रैक्चर हो गया। तो वहाँ बच्चों को प्लास्टर नहीं लगाते हैं, उनको तो क्या है कि आप एक्सटेंशन करना पड़ता है ना, खींच के रखते हैं, तो हड्डियाँ ऐसी हट गई हैं, उनको ऐसे लगा देंगे एक्सटेंशन, तो करते हैं उनको उल्टा लटका दे, बच्चे को उल्टा लटका दिया, सिर्फ इतना पोर्शन सीना जो है वो बिस्तर पे, बाकी उसका इतना पोर्शन लटका हुआ। तो देखा मैंने तो बच्चा उसे भी खेल रहा है, वो लटके लटके ही पूरा मुड़ जाएगा, पूरा इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, तो खेल रहा है, गेंद दे दो, गेंद से खेल रहा है, ठीक। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, वो भी नहीं, वो एडजस्ट हो जाए, वहीं से खा रहा है, वहीं से खेल रहा है। तो ये जो परमहंस हैं, ये वो कहता है कि मैं इसी प्रकार से हूं, मैं आत्मा अपने आप खेलता हूं, मेरा रति यानी रमण जो है वो अपने मात में है, और इस प्रकार से मैं बालक की तरह सारे संसार में विचरण करता हूं। इसके बाद में कंक्लूजन बोलते हैं, द्वो एव चिंतया मुक्तो, दो प्रकार के व्यक्ति ही चिंता से मुक्त होते हैं और परम आनंद में आप्लुत रहते हैं, परम आनंद में वे गोता लगाते हैं। कौन से, यो विमुग्धो जड़ो बालो, जो विमुग्ध है, जड़ है, बालक है, बालक जो जड़ है, मुग्ध है वह, और यह गुणेभ्य परम गतः, जो गुणों से परे चला गया, गुणातीत हो गया है, जो गुणातीत है और जो बालक है, जड़ है, दोनों एक प्रकार। ये जो मैंने अभी कहा कि एक जो तीनों, बालक भी तीनों गुणों से अतीत होता है, और जो जड़ ये परम हंस है वो भी गुणोत्ती गुण त्रिगुणातीत होता है। ये दोनों दो विनो दोनों जो हैं वे हमेशा चिंता से मुक्त रहते हैं, आनंद। बाकी संसार के जितने लोग हैं वे क्लिश्चन्ति अंतरितो जना, यो मूढ़तमो लोके, यो तत्त्वं परम गतः, तो वे तो चिंतया मुक्तो क्लिश्चन्ति अंतरितो जना। हम सब बीच में, जो अत्यंत मूढ़ है, बच्चा है, या फिर बिल्कुल आदि अनकल्चर्ड है, उसको कोई चिंता नहीं, और जो परमहंस हो गया है उसको कोई चिंता नहीं, बीच वाले हम लोग, हम ही कष्ट पा सबसे कष्ट। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कही गई। अब इसके बाद में एक कहानी, छोटी सी कहानी सुनाई, जैसे पिंगला की कहानी सुनाई थी, इस तरह यहाँ एक दूसरी कहानी है। क्वचित कुमारी त्वम आत्मानम वृणानान गृहमागतान स्वयं तान अर्हया मास क्वापि यातेषु बंधुषु। एक कुमारी थी, उसको वरण करने वाले, उसको देखने वाले लोग आए, है ना, उसको वरण करने के लिए कई लोग, उसको देखने के लिए, उसके शी इज गोइंग टू गेट मैरिड, उसको देखने के लिए आए। उस दिन क्या है था कि त्वाम वृणानाम गृहम आगताम क्व अपि यातेषु बंधुषु, घर में कोई नहीं था, बंधु सब बाहर चले गए थे, घर के लोग जब बाहर गए थे तो क्या कहा उसने, क्या तान अरहिया मास, उसी ने उन लोगों का स्वागत किया। जैसे जैसे आवे तो कोई लड़की को देखने आवे या हुए, तो पिता हो, माता हो, भाई है, वो उसका स्वागत करते हैं, वो तो अंदर है, उसको ही स्वागत करना पड़ा। तब क्या क्या, तेषाम अभ्यहार्थम शालीन रहसि पार्थिव अध्वधन्यता धन्यता प्रकोष्ठा चक्रुषु शंखा स्वनम महत। अब ये गरीब थी, उसने क्या किया, अरे ये आ गए, घर में कुछ नहीं, धान जरूर जल्दी जल्दी उसको कूटना है, उसको ये धान एकांत कूटने लगी एकांत में। अब वो कूटने लगी तो क्या हुआ, उसके अंदर अंदर जाके तो उसके शंख की जो चूड़ियां थी वो खुटखुट 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 खुनखुन खुनखुन होने लगी, आवाज होने लगी।
तो उसको लगा, अरे ये लोग सोचेंगे क्या आवाज हो रही है, आके देखेंगे कहते हैं ये तो बिल्कुल निर्धन है, तो यूजलेस है, किसी काम के नहीं है, इसकी शादी नहीं करना। तो उसने क्या किया, उसने सा जुगुप्सितम मत्वा, उसको उसने बड़ी सीधा लज्जा हुई, महती व्रीड़िता ततः, बहुत लज्जा पूर्ण होकर उसने क्या किया, बभंज एकैकशः शंखान द्वय दो पानियो अशेष अशेष, उसने एक एक करके चूड़ियां तोड़ डाली, निकाल डाली, तो फिर दो बची। तब क्या किया उसने, उभयोपि अबोद्घोषो हि अवघ्नन्त्यः स्म शंखयोः तत्र अपि एकं निरभिदत् एकस्मात् न अभवत् ध्वनि। तब उसने क्या किया, उन दोनों में से एक को और निकाल, तब एक बची, अब आवाज नहीं। बहुत सारी चूड़ियां थी, आवाज हो रही थी, और सोच लड़े लोग क्या समझेंगे। फिर उसने धीरे धीरे निकाल दी, इसके बाद जब दो बची तब भी आवाज हुई थी, दो में से जब एक निकाल दी तब कोई आवाज, तब क्या होता है, अब इसके आगे वो उपदेश को प्राप्त हो जाता है अवधूत को। वो क्या कहते हैं, अन्वविक्षण अन्वशिक्षम इमं तस्या उपदेशम अरिंदम लोकान अनुचरन एतान लोक तत्व विविक्षया। देखिए मैं तो हूं, वो कहते हैं कि मैं लोक चक्ष विविक्षिमा, यानी लोगों के आचार विचार निरखने परने परखने के लिए लोक तत्व विविक्षया, लोगों का तत्व जानने के लिए, लोग कैसे रहते हैं इत्यादि समझने के लिए, उसकी इच्छा से मैं लोगों में वाचरण चरता रह आचर विचरता रहता हूँ। इसलिए मैंने जब यह देखा तो मैंने कुछ उपदेश उससे सीखा। क्या सीखा, उसके पहले एक और इसी तरह की कहानी आपको दूसरी बताता हूँ, उसमें भी इसी प्रकार का भाव है, थोड़ा सा शिक्षा का फर्क जरा सा है अवश्य। उसमें इस प्रकार का है कि एक राजा था, राजा को शरीर में स्किन डिजीज हो गया और बड़ी शरीर में जलन होने लगी, तो वैद्य ने कहा कि आपके शरीर में चंदन लगाना चाहिए, याद रखिए चंदन बहुत ठंडा होता है, उसका गुण है चंदन को शरीर पर लगाते हैं तो ठंडा होता है। श्री राम कृष्ण के शरीर में भी जब साधना के समय शरीर में ज्वाला होती थी तो चंदन का लेप लगाया जाता, तो उसने चंदन का लगाना है, तो उनकी बहुत सारी रानियां थी, वो कहा उनको चंदन घिसो, चंदन घिसने पे तो पेस्ट बनेगा, चंदन खूब घिसते थे उससे जो पेस्ट बनता था लगाते थे, लेकिन वो रानियों के हाथों में चूड़ियां थी, वो घिसते थे तो खुट 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 आवाज होता था, तो इसको असह्य होता था। वो कहता अरे बाबा, क्योंकि इरिटेटेड बॉडी तो सब इरिटेशन तो है, सारे शरीर में जलन हो रही है, सारा मन भी थोड़ा सा इरिटेटेड है, उसको पसंद नहीं आता। अरे राम राम, वो कहता है बंद करो इसको आवाज हो रहा है। तो चूड़ियां निकाली, दो चूड़ी रखी कि आवाज तो कम हो गया फिर भी आवाज है, उसको भी निकालो। तब फिर जब एक चूड़ी हो गई तब कोई आवाज नहीं हुई, तो उसने कहा अरे वाह, अब बड़ी शांति है, कोई आवाज नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या हुआ? तो कि रानियां आपकी चंदन घिस रही थी इसलिए आवाज हो रहा था, जब दो चूड़ियां थी तब तक आवाज हुआ, अब सब चूड़ी निकाल दी, एक चूड़ी है इसलिए आवाज नहीं हो रहा है। बड़ी प्रसन्नता उसका, देखो बड़ा अच्छा हो, देखो जो अकेला रहता है तो कोई झमेला नहीं, मैं अब सब छोड़ के चला जाऊं, और वो छोड़ के चले गए इत्यादि। अच्छा, इन्होंने क्या उपदेश लिया, बड़ा सुंदर उपदेश, बड़ा सुंदर उपदेश, वासे बहुनाम कहल कलहो भवे वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात कुमारिया इव कंकन। कहा बहुनाम वासो कलह भवे, बहुत से लोग जब एक साथ रहेंगे तो कलह होगा, झगड़ा होगा, बातचीत होगी, थोड़ा सा नोक झोंक सब होगा। द्वयो अपि वार्ता, दो आदमी रहेंगे तो गपशप होगा, टाइम बस बर्बाद, इसलिए एक एव चरे तस्मात, इसलिए अकेला विचरण करे
कुमारिया इव कंकणा, जिस प्रकार कुमारी का कंकण कुमारी के हाथ में एक कंकण से आवाज नहीं होता, उसी प्रकार विद्वान को, साधु को, साधक को अकेला रहना चाहिए। देखिए ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है जो सभी संतों ने की है और उपदेश दिया। श्री राम कृष्ण बार बार कहते हैं निर्जन में जाओ, एकांत में रहो, एक दिन हो तो भी अच्छा, तीन दिन हो तो भी अच्छा है, छह दिन हो तो अच्छा है, तीन महीने हो, एक महीना हो, जितने दिन जाओ एकांत में जाकर। और जो लोग तपस्वी साधु हैं वो तो एकांत में रहते ही हैं, संसार से उनको लेना देना ही नहीं, संसार से मिलते ही नहीं, पहाड़ों में जाकर एकांत में रहते हैं। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से और ऊपर चले जाए, गंगोत्री गोमुख उसको भी ऊपर चले जाए, जहां लोग ना आ सके, और अगर आवे भी तो उसमें आसपास ऐसा वातावरण बना लेते हैं कि लोग ना जाए, वहां पे अपने हड्डियां विड्डियां बिखेर देते हैं, लोगों को लगे अरे बाप रे कौन है कहां आ गए, दूर रहो। अपना भेष ऐसा बना लेते हैं, गंदा भेष बना लेते हैं कि लोग दूर रहे, ऐसे क्रोधी दिखाई देते हैं कि लोग दूर रहे, बताने के लिए, जिससे लोग डिस्टर्ब नहीं करें। एक अब प्रश्न यह है कि फिर संसार में मिलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। देखिए वो दूसरी श्रेणी के लोग, जो प्रवचनकार हम लोगों जैसे हैं वो हम बहुत इन्फीरियर लेवल के, जो सब ठीक ठीक तपस्वी, ठीक ठीक साधु, भगवान का भजन करने वाले हुए का, इसके बहुत सारे दृष्टांत आपको मिलते हैं, सूफी संतों के जीवन में है, राबिया के जीवन में है, तो वो क्या है कि एकांत में ही रहते, गोशा निशानी बोलते हैं इसको, ओ कितने साल पर, दो साल, चार साल, पांच साल, बस एकांत में। याद रखिए, कोशिश मत कीजिएगा, इतना आसान नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ जो वर्णन। एक बार एक सूफी संत के पास में दूसरे संत आए, और संत आके उन्होंने बैठे, रात को दोनों साथ में रहे और सत्संग किया, दो संत हैं सत्संग करेंगे साथ। उसके बाद एक संत जब जाने लगे तो उन्होंने कहा कि आज की रात सबसे अच्छी रात, और आज का जो सत्संग सबसे, आज का जलसा जिसे बोलते हैं भाई उर्दू में, जलसा, आज का जलसा यानी आज की जो मीटिंग रही ये सबसे अच्छी मीटिंग रही, और आज की रात सबसे अच्छी रात। तो जो पहले वाले संत ने कहा कि आज की रात सबसे खराब रात, और आज का जलसा सबसे खराब जलसा, क्यों? देखिए, अच्छा सोचो, तुम क्या करते रहे, तुम ऐसी बात बताते रहे कि मैं खुश हूं, और मैं ऐसी बात करता रहा जो तुम खुश हो, हम एक दूसरे को खुश करने का प्रयत्न करते, एक दूसरे की चापलूसी करने का प्रयत्न करते। एक आया संत के पास में दूसरा व्यक्ति, दूसरा संत बैठा कि मैं आया हूं आपके चरणों में, कुछ उपदेश प्राप्त करूंगा, कुछ सत्संग होगा, ठीक है दूर चले जाओ, ये सब फालतू बात है, कोई सत्संग वत्संग नहीं है, तो फालतू बकवास होने वाली और कुछ नहीं। तो द्वयोरपि वार्ता, दो आदमी होंगे तो भी बात होगी और चर्चा होगी। एक जैन संत थी, मेरी माता के समान थी, उनके पास मैं जाया करता था, वो चातुर्मास वगैरह करती ना, चातुर्मास के बाद में जब वो रवाना हो रही थी तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा उपदेश कुछ दीजिए। तो एक बात उन्होंने कही जो मुझे आज तक याद है, उनका देखो व्यर्थ जल्पना और व्यर्थ कल्पना से बचो, व्यर्थ कल्पना, अननेसेसरी इमेजिनेशंस, अननेसेसरी थिंकिंग, हम लोग बैठे बैठे क्या क्या चिंतन उल्टा फालतू वालतू करते, व्यर्थ कल्पना और व्यर्थ जल्पना, जल्पना या बातचीत, व्यर्थ जल्पना यानी व्यर्थ की बातचीत से बचो। फिर उन्होंने एक और अच्छा सेंटेंस कहा, क्यों बचो, कि देखो काम की बात तो थोड़ी होती, काम की बात जो है वो थोड़ी सी होती है, ज्यादा नहीं होती, बहुत सारी चीज की जरूरत नहीं है। स्वामी विज्ञानानंद जी कहा करते थे, वो प्रवचन वगैरह नहीं देते थे, रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट हुए थे, श्री रामकृष्ण के एक शिष्य सन्यासी शिष्य थे, वो प्रवचन वर्चन नहीं देते थे, कोई आता था कि महाराज कुछ उपदेश दीजिए, तो कहते थे कि देखो
वो जो बचपन में तुम्हारी पहली क्लास में किताब पढ़ते हैं ना, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बस उसको अपने जीवन में उतारो, कुछ वो ज्यादा कुछ जरूरत। एक और माता जी से, वो भी संत थी, उनसे हमने सुना कि वो उधर उत्तरकाशी में गई, उसके ऊपर कहीं गंगोत्री में वहाँ कहीं गई, क्या लोगों ने कहा वहाँ अच्छे संत थे, उनके पास गए, गए वहाँ पे तो संत मिले, तो उनसे कहा कुछ उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो माई, हम तुम्हारे गुरु जी के पास एक बात बता दें, गुरु जी के पास थे, गुरु जी के पास दूसरे कोई आए संत, कोई आए उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे कोई गुरु हैं? कि हाँ गुरु तो हैं। उन्होंने कुछ उपदेश दिया है? कि हाँ दिया है। उसको क्या आपने पूरा जीवन में उतार लिया है? तो नहीं, वो तो नहीं उतार, तो उसको नहीं उतारा है, फिर हमसे और मांगने क्यों चाहते हो? सत्संग उतना ही अच्छा जितना हमारा मन ऊपर उठे, उसके बाद भगवान के भजन में डूब जाए। इसलिए कहा कि दो आदमी भी होते हैं तो बैठे बैठे गप होती है, टाइम बर्बाद होता है, और बहुत सारे हो तो कलह होता है, झगड़ा होता है, डिफरेंसेस वो भी नहीं होता है। आप कुछ कर रहे हैं, आप कहे कि नहीं ये ठीक नहीं है, दूसरा कहता है नहीं ये ठीक है, तीसरा कहता है नहीं ये ठीक। इसलिए कहा है अकेला रहे, एक एव चरे तस्मा, इसलिए अकेला अकेला रहे। अगर नहीं रह सके तो सत्संग में, नहीं रखे तो थोड़ा भजन कर ले, नहीं रहे थोड़ा स्वाध्याय कर ले, नहीं अकेला, जितना हो सके अकेला। दुर्भाग्य यह है कि वी आर नॉट ट्रेन फॉर इट, हम कर नहीं पाते हैं और इसलिए कष्ट पाते हैं। और इसलिए यह भी एडवाइस नहीं किया जाता है कि आप अकेले रहो, अकेले रहेंगे तो पागल हो जाएंगे, आपके मन का जो मन जो है वो सब आ जाएगा, रिवोल्ट करेगा, तो मन रिवोल्ट करेगा आप, वो बहुत सारे न जाने कितनी कितनी गंदी वह सब सब संस्कार मन बाहर से निकलेंगे, देखेंगे अरे बाप रे पागल, कई लोग पागल हो जाते हैं। ये एक आए हुए कर, इसलिए दो आदमी रहें, सत्संग करें, थोड़ा सत्संग में रहें, धीरे धीरे, कभी एकांत में भी जाना है तो 4 दिन, 5, 4-5 लोग जा जा रहे हैं, 4-5 दिन, 7 दिन, 15 दिन किसी आश्रम में रहें, एकदम एकांत में। लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहां पर कही गई है, कुछ लोग तो, हम लोग तो ऐसे हो गए हैं कि अकेले रह ही नहीं सकते। याद रखिए नारद भक्ति सूत्र हम पढ़ रहे हैं, उसमें आएगा, उसमें यह आएगा कि सत्संग होना चाहिए तो ठीक है, दुस्संग सर्वदा त्याज्य। और लाटू महाराज कहा करते थे कि दो चार आदमी बैठकर अड्डा लगाना, पर निंदा पर चर्चा करना, गपशप लगाना, उसके बदले तो कमरे में जाके सो जाना अच्छा, उससे नेगेटिव थॉट्स और विचार इतने, मन इतना खराब होता है, उससे बदले तो एकांत में सो जावे तो अच्छा है, नहीं मन लगे सो जाओ। तो बहुत सारे लोगों के बीच में रहने से कोई लाभ नहीं होता, खास करके साधक को बड़ा सावधान रहना, अपनी कंपनी के संबंध में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए किसके बीच में वो रहता है। तो यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई। अच्छा, अब अगला चले, एक और किसी से उन्होंने क्या सीखा, एक तो नृपतिम व्रजंतम ईशो गतात्मान ददर्श पार्श्वे, क्या कहा है? मैंने बाण बनाने वाले से यह सीखा कि आसन और श्वास को जीत कर, जित श्वासो जितासन, अब एक एक को लेके देखेंगे, जित श्वासो जितासन अभ्यास वैराग्य योगेन
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी से उसे एक लक्ष्य में लगा ले। मन को अभ्यास वैराग्य की बात पतंजलि योग सूत्र में बहुत विस्तार से की है। अब शरीर को जीत ले, आसन को जीत ले, अभ्यास वैराग्य के द्वारा मन को वश में करके सावधानी से लक्ष्य में लगावे। कैसे? जैसा कि ईशुकार ने किया। क्या किया? जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूलि को थो बहाता है। सत्वगुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि। यह अगले श्लोक में उन्होंने कमेंट किया। अंत में कहते हैं, इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर भीतर कहीं भी पदार्थ का भान नहीं होता। आसन को जीतकर, श्वास को जीतकर, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भगवान में मन लगाने पर बाहर जो कुछ हो उसका पता नहीं चलेगा। कैसे? मैंने देखा था कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय हो गया था कि उसके पास से दलबल के साथ राजा की सवारी निकल गई। ढोल दर बजाते हुए, ड्रम्स हैं और पूरा एक ऑर्केस्ट्रा के साथ में जा रहे हैं, लेकिन वो अपना बनाने में इतना तन्मय था कि उसने कुछ सुना नहीं। श्री राम कृष्ण भी इस तरह का दृष्टांत देते हैं कि एक आदमी वो मछली पकड़ने बैठा हुआ था, तन्मय होके मछली पकड़ रहा था और मछली ने जरा पकड़ा ही था तो वो क्या होता है, उसका जो फ्लोट होता है ना, वो थोड़ा सा डूब गया। मतलब है कि मछली आ गई थी। इस मौका एग्जैक्टली उस समय किसी ने आके उससे पूछा कि फलाने जगह जाने का रास्ता कहाँ है, वो कुछ बोला नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार उसने कुछ सुना ही नहीं, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हुआ। जब वो आदमी ने देखा कि सुन ही नहीं रहा है, जब आगे चला गया, इतने में मछली ने बिल्कुल उसको पकड़ लिया। उसने उसको खींच के मछली को पकड़ के उठा लिया। उसके बाद में उस आदमी से कहा, शांत लिया, उसके बाद पसीना पहुंचा, उसके बाद ओ भैया इधर आओ इधर आओ, वो आना नहीं चाहता था। फिर वो खुद क्या बात है, क्या पूछ रहे थे? देखिए इतनी देर तो, इतनी बार तो तुमसे पूछा, तब तो तुम बताए नहीं कि बोलो ना क्या कि मेरे को वहां जाने का रास्ता पूछना था। देखिए वो इधर, अब पहले क्यों नहीं बताया कि भैया पहले जो वो फ्लोट था ना वो डूब रहा था, उस समय कैसे बताता, पूरा मन वहीं कॉन्सेंट्रेटेड। यहाँ पर यही बात कही गई है कि मन इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाना चाहिए कि संसार कोई भी बात हमारे कानों में घुसे ही नहीं। तो यही कहा है, मन एकत्र संयोज्यात, मन को एकाग्र करो। इसके लिए चार कंडीशन बताए, चौथी कंडीशन, चार कंडीशन और कहाँ एकाग्र करना वह बताया। चार कंडीशन, पहला है जित आसन, आसन को जीत, स्थिर आसन। यहाँ पे जो गाइडेड मेडिटेशन संडे को दिन करते हैं बार बार कहते हैं कि आसन स्थिर करके बैठो, बिल्कुल हिलना नहीं है। 45 मिनट्स तक या 50 मिनट्स तक लोग बैठेंगे, बिल्कुल हिलिएगा नहीं, ये पहली कंडीशन। उसके बाद दूसरी कंडीशन बोलते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम कराते हैं, प्राण को थोड़ा सा कंट्रोल करना। तीसरा, दो चीजें हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये तो कई बार बताया पतंजलि योग सूत्र का सूत्र, मैंने कई बार आप लोगों से पाठ करवाया है। यहाँ पे अभ्यास और वैराग्य दो ये महाअस्त्र है। भगवान गीता में भी कहते हैं, जब अर्जुन कहता है कि मन तो अत्यंत चंचल है, वायु की तरह चंचल है, यह कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, तो भगवान कहते हैं कि यह बात निश्चित है लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो कंट्रोल। तो ये दूसरी की कंडीशन। वैराग्य क्यों? वैराग्य क्या है कि मन जा रहा है संसार में,
ये मन रूपी नदी जो है वो संसार की ओर बह रही है, जो वर्णन किया जाता है, व्यासदेव खुद कहते हैं, व्याख्या करते हुए, मन जो है संसार की ओर पे बह रहा है, उसको रोकना तो पड़ेगा। अब डैम लगाइए, उसके बाद में एक नहर निकालिए, दूसरी तरफ डाल, और वैराग्य अभ्यास के द्वारा दूसरी तरफ मन को डालना है, वैराग्य अभ्यास के द्वारा दूसरी तरफ डालना है, वैराग्य से उसको रोकना है। और वैराग्य से अगर आप नहीं रोकेंगे तो परिणाम क्या, मन तो कंटिन्यूसली जा ही रहा, जिस तरफ अनुराग है उधर जाएगा, और आप चाहो कि भगवान में लगे, नहीं लगेगा, असंभव, क्योंकि मन संसार में अटका हुआ है, उसी तरफ जा रहा है। लेकिन इसीलिए लोग कहते हैं मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, बिना वैराग्य तो कंट्रोल होगा ही नहीं। लोग कहते हैं स्वामी जी बैठते हैं मन बड़ा चंचल है, अरे वह संसार में तो लगा हुआ है, जरा भगवान में अनुराग आवे तब तो संसार में भगवान में लगेगा, अनुराग तो है नहीं, संसार में लगा हुआ आसक्ति है इसलिए हो रहा है। तो तीसरी बात जो यहां पर कही तीसरी कंडीशन अभ्यास और वैराग्य। और अतंद्रितः बिना प्रमाद के, विथ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, बिना सावधानी से, प्रमाद के रहित, अतंद्रित, तंद्रा नहीं होना चाहिए, जिसे कहते हैं ये शुड नॉट बिकम केयरलेस, और ढीले नहीं होना, इसको बोलते हैं अतंद्रित, बराबर कंटिन्यूस लगने का, दीर्घ काल सत्कार पूर्वक निरंतर पूरे मन से लगाना, तीव्र संवेगानाम आसन्न है, पातंजलि योग सूत्र में ही कहा, तीव्रता से, जितने तीव्रता से भगवान में मन लगाओगे, जितने इंटेंसिटी से लगाओगे, उतना जल्दी सक्सेस होगा। तो ये बात कही, अतंद्रितः मन को एकत्र करके लगाओ, कहाँ लगाओ, क्या कहें, तदेवम आत्मानम अन्वरुद्धत, किसमें लगाओ, यस्मिन मनो लब्ध पदम यदेतत, भगवान में, परमात्मा, यस्मिन उसमें, परमात्मा, शने शने ही उससे, तब होता क्या है, जब परमात्मा स्वरूप में, परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है, यह है ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, तब क्या होगा, कर्म वासनाओं की धूल धुल जाती है, और फिर सत्वेन वृद्धेन रजस्तमः विदुह्य, सत्व गुण की वृद्धि होती है, रजगुण, रजोगुण और तमोगुण जो हैं वह विधु धूलित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, निर्वाणम उपैति, और तब निर्वाण की प्राप्ति होती है। कैसा निर्वाण, अनिंधन अग्नि, जिसमें ईंधन नहीं है, जैसे अग्नि शांत हो गई, उसी प्रकार समस्त वासनाएं और कर्म शांत हो जाते हैं जब ईंधन खत्म हो गया। अग्नि जो है वो ईंधन पे डिपेंड करती है, फ्यूल पे डिपेंड करती है, वो खत्म हो गया तो बस खत्म। तो जिस प्रकार से ये इन कंडीशंस के द्वारा जब हम मन को एकाग्र करेंगे तो धीरे धीरे तमोगुण और रजोगुण का नाश होगे, सत्वगुण की वृद्धि होगी और निर्वाण की प्राप्ति होगी। तदेवम आत्मनि अवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरम वा, आत्मा में, अपने स्वरूप में मन को लगा के अंदर की बाहर की कोई चीज याद नहीं रहे, यथा ईशु, जैसा जैसा ईशुकार ने किया, वो बनाने में अपने काम में इतना तन्मय था कि बाहर की चीज, ऐसी तन्मयता के साथ में हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब आगे चलिए, अगला उन्होंने क्या है, अब सांप से उन्होंने कुछ शिक्षा ली, क्या है, एकचार्य निकेतः स्याद अप्रमोत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमानः आचरैः मुनि एको अल्पभाषणः गृह आरभो अतिदुःखाय विफलश्च अध्रुवात्मनः सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते। आप लोगों के लिए, सबके लिए वार्निंग है जो मकान बनाना चाहते हैं खुद के लिए। यहाँ कहते हैं कि मैंने सांप से कुछ सीखा, क्या सीखा, एक चारी, अकेला चरण करता है सांप, झुंड में नहीं, एक चारी, अनिकेत है, कोई घर नहीं सांप, कहाँ रहता है, दूसरे के बनाए बिल में घुसता है, चूहे बनाते हैं बिल, उसमें सांप घुस के रहता है,
एकचारी अनिकेतः स्यात् अप्रमत्तः प्रमाद नहीं। क्या फिर कहते हैं? अप्रमत्तः अनिकेतः, अनिकेतः अनिकेतः मठ नहीं बनाए। हम लोग भी जो हैं वो सांप की बात नहीं मान रहे, इनकी बात नहीं मान रहे। हम लोग भी नहीं घर बनाया, आश्रम बनाया है, बिल्डिंग बनाई। अनिकेतः मंडली नहीं, ग्रुप बना लिया, कुछ नहीं, अकेला रहेगा। अप्रमत्तः गुहाशयः, गुहाशय यहाँ का अर्थ है गुहा आदि में पड़ा रहे, एक जगह कहीं आश्रम, कहीं गुफाओं में, किसी जंगल में, किसी पेड़ के नीचे, साधु लोग जो है कोई खप्पर पड़ा हुआ उसके नीचे पड़े रहे, या किसी देवालय के बाहर पड़े रहे, गुफा में रहे। गुहाशय अलक्ष्यमान, अलक्ष्यमान यानी आचारों से, आचार ही अलक्ष्यमान है, आचरण से पता न चले कि ये साधु हैं। तो गेरवा या रुद्राक्ष की माला या तिलक वो नहीं, कपड़े से पता न चले कि ये साधु है, ये सन्यासी है, ये परमहंस है। आचार ही अलक्ष्यमान है, मुनि ही एक अल्पभाषण है, मुनि एका अकेला रहेगा, अल्पभाषक है, किसी की सहायता न ले, चुप कम बोलेगा। गृह आरभ क्यों आगे क्या कहते हैं? गृह आरंभो अति दुखाय, ये घर का आरंभ, घर बनाना यह दुख का कारण है। लोग नहीं समझते इस चीज को, दुख का कारण है। जमीन करा लेना पड़ेगा, उसको आपको फिर उसके बाद रजिस्ट्री कराना पड़ेगा, उसके मकान का प्लान बनाना पड़ेगा, उसके बाद में उसके लिए सब जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाके कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो देख लीजिए, उसके बाद मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मेंटेनेंस हर साल उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ये क्या है? ये सब वेश्म क्या है? विफलश्च अध्रुवात्मनः, अध्रुवात्मनः, ये शरीर जो है अनित्य है, इस अनित्य शरीर के लिए मकान क्यों बनाते हो भाई? ये वो कहते हैं कि इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े जो हैं उसमें व्यर्थ है और दुख की जड़ है। गृह आरंभ अध्रुवात्मक, इस जो अनित्य शरीर है इसके लिए घर बनाने का चपड़ा, ये दुख के दुख का ही कारण होता है। इसलिए सर्प जैसा परकृतम वेश्म प्रविश्य सुखम एधते, इसलिए सांप जो है दूसरे के घुस में घर में बैठ के बड़े आराम से रहता है। तो साधु अपने लिए घर नहीं बनाएगा, खुद के लिए घर कभी नहीं बनाना। जहाँ रहना जहाँ है, जहाँ चले गए किसी के घर में रह लिए, इसके घर में ले लिए, उसके घर में ले, इस आश्रम में है 22 साल बनारस में थे एक कमरे में थे, 7 साल एक कमरे, 3 साल एक कमरे में, बाकी 19 साल दूसरे कमरे में, उसके बाद में चले गए यहाँ से तो दूसरी जगह, एक दूसरे आश्रम में गए तो वहाँ एक कमरे में 3 साल रहे, उसके बाद छोड़ दिया, यहाँ आए एक कमरे में रहे, ये भी छोड़ देंगे। तो दूसरा सन्यासी साधु किसी के खुद के लिए घर नहीं बनाएगा, वो क्योंकि ये शरीर अनित्य है। तो आइडिया ये शरीर ये अनित्य है, इसके लिए इतना झमेला क्यों? संसार शरीर जैसा रहे वैसा रहे, उसकी लिए चिंता ही क्यों करना? अनित्य की चिंता करोगे तो नित्य का चिंतन कब करेंगे? और हम अधिकांश समय अनित्य के चिंतन में ही नष्ट करते हैं। देखा, अधिकांश समय हम इस अनित्य चिंतन के लिए, फिर भगवान का चिंतन आप करें, सोचिए आप भगवान का चिंतन हम कितने समय के लिए करते हैं? सारा समय तो संसार का और शरीर का ही चिंतन होता रहेगा, ये 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को, उससे कुछ काम चलता है? उससे क्या नित्य की प्राप्ति हो सकती है? उससे क्या मन एकाग्र भगवान में हो सकता है, जिसका ऊपर का चर्चा ब्यूटीफुल वर्णन किया गया?
तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि सांप जो है एकाकी एकचारी अकेला रहेगा, बिना घर की चिंता किए हुए, प्रमाद रहित, एक कहीं गुफा में पड़ा हुआ। और आचार्य लोगों के अलक्ष्य माना है आचार्य, लोग अपने आचरण से नहीं देखें कि ये साधु है बाबा, तो आके तंग करेंगे, आके तंग करेंगे कि आप कहाँ हैं स्वामी जी, कहाँ हैं, उपदेश दीजिए, ये कीजिए, झमेला। स्वामी प्रेमानंद जी कहते थे, प्रेमानंद जी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कहते थे, वो तो बहुत बड़े संत थे, जीवन मुक्त थे, वो ईश्वर कोटि थे, वो कहते थे अपने गुरु भाई महापुरुष महाराज को कहते, हमारे भाई ये गेरवा छोड़ दिया जाए, बड़ा झमेला के काम, गेरवा त्याग करते हैं लोग, आके प्रणाम करते हैं, अहंकार बढ़ता है। जो माँ शारदा भी कहते हैं, अरे बेटा कई लोगों को कहा कि तुम कहे लेते हो, उससे अहंकार हो जाए, लोग आके चरण स्पर्श करते। तो इसलिए अलक्ष्य मान है, लक्ष्य न होवे, यानी आचार के द्वारा नहीं जाना जावे, और चुप रहे, कम बोले। और हम कम बोलेंगे, जो लोग कुछ एकांत में रहने वाले हैं, अगर लोगों से मिलने, अगर पहाड़ों में रहेंगे तो कहेंगे कि क्या वहीं पर रह सकते हैं, वहीं साधु जीवन व्यतीत होता है, संसार में नहीं होता क्या? और संसार में जो लोग रहते हैं तो कहते हैं, अरे ये बहुत संसारी है, ये तो संसार में ही रहता है, बहुत प्रवचन, बहुत बोलता है। और नहीं बोलेंगे तो कहे स्वामी जी कुछ उपदेश दीजिए, आप तो बोलते ही नहीं, ऐसे भी सब प्रकार के लोग हैं। तो जो भी हो, यहाँ पर उसने बहुत अच्छी बात उससे सीखी, किससे? एक सांप, सांप को एक गुरु बनाया। एको नारायणो देवः पूर्वशिष्टं स्वमायया संवृत्त कालकलया कल्पांत इदमीश्वरं ईश्वरः, एक एव अद्वितीयो अभूत आत्मा आधारो अखिलाश्रयः कालेन आत्मना अनुभावेन साम्यं नीताशु शक्तिषु सत्वादिषु आदिषु प्रधान पुरुषेश्वरः। पूरा एक लंबा वर्णन करते हैं, किससे सीखा, ये 16वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक मकड़ी से मैंने क्या सीखा। ये मकड़ी से उन्होंने भगवान का स्वरूप जाना। मकड़ी क्या करती, मेकड़ी क्या है, यथा ऊर्णनाभि हृदयात ऊर्णाम संतत्य वक्त्रतः तया वृढित्य भूयस्ताम ग्रसत्येवं महेश्वरः। परमात्मा, ये लास्ट 21वां श्लोक है, इसमें कहा जाए जैसे मकड़ी अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाला फैलाती है, उसी में विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने में से उत्पन्न करते हैं, उसमें जीव रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर लेते। परमात्मा अपने में से जगत की उत्पत्ति करते हैं, परमात्मा उसी जगत में रहते हैं और उसको पुनः अपने में विलीन कर लेते। वर्णन आता है कि भगवान एक बार अकेले थे, ब्रह्मा उनको अच्छा नहीं लगा, उनका विषय संकल्प किया, एको हम बहुस्याम, मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ। तो संकल्प से उन्होंने बहुत से प्राणी शरीर पैदा किए, उसके बाद में क्या किया, तद सृष्ट्वा तदेवानुप्रविश, वो सृष्टि करके बहुत सा जीव करके उनके अंदर भगवान प्रविष्ट। तो हम लोगों की सृष्टि भगवान ने की है और हम में प्रविष्ट हो गए भगवान, हम में, हम जो है ना, ये हम जो बोल रहे हैं मैं, ये सब भगवान ही हैं, हम भगवान ही। लेकिन हम भूल गए हैं कि हम भगवान, हम अपने आप को जीव समझ रखे हैं, हमने अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रखा है। अब भगवान फिर क्या करते हैं, ये सारे जगत की सृष्टि कर लेते हैं और उसके बाद में अंतकाल में उसको फिर अपने आप में रिजॉल्व कर लेते हैं, विलीन कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, जिस प्रकार से मकड़ी करती। तो इसी बात को प्रारंभ करके बहुत सारा वर्णन किया है, अब उसको देखें। संहृत्य कालकलया कल्पांतम कल्पांते इदम ईश्वरः, एक एव अद्वितीयो अभ्युत आत्मा आधारो अखिलाश। कैसे
कहते हैं कि क्या करते हैं, सबके प्रकाशक और अंतर्यामी, अखिल आश्रय, सबके प्रकाशक आश्रय अंतर्यामी ईश्वर क्या करते हैं, शक्तिमान भगवान ने पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के अपनी ही माया से रचे हुए जगत को कल्प के अंत में, बहुत पूरा वर्णन है उन्होंने सब 16 से 20 श्लोक को एक साथ ले लिया है, इसकी चर्चा हम अगली बार करें। यही शंख बज गया है, समय हो गया है सुबह। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।